क्या नाम है सर? मेरा नाम तो मत पूछो, मेरा चेहरा ही काफी है। अच्छा, नाम पूछ रहे तो बता देते हैं, मेरा नाम अनिल है। अच्छा अनिल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? क्या बात है, खुश तो बहुत हो गए तुम। मैं बहुत ही खास, बहुत ही करीब का रहने वाला हूँ। अच्छा। दिल्ली से 500-550-600 किलोमीटर दूर बलरामपुर का हूँ मैं। अच्छा, बलरामपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है इस समय, उपचुनाव होने हैं और एक तरफ धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव है इसीलिए तो तनाव है, इसीलिए तो जो है हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर इनकाउंटर क्यों हो रहा है आपके उत्तर प्रदेश? ये सिर्फ इनका सोच का गलत है, सास बहू की गलत है सोच इनकी। बताइए, ये समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी, ये दोनों है सास बहू। ये आपस में अपने कपड़े फाड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे के बाल खींचने लग जाते हैं, इनका ये काम है। बताइए, मंदिर मस्जिद को क्यों ला रहे हैं ये? क्यों ला रहे हैं ये? पहले तो ये करते थे एक ही चीज सिर्फ, ठीक है ना, उन्हीं को मदद करते थे। अरे आज बाबा हमारे हैं, आज उत्तर प्रदेश में बाबा हैं, तो समझ लो मुमकिन है। और उसके बाद तुम्हारे आपस में ही गठबंधन है। बताइए, तुम्हारे आपस में ही एकता नहीं है, तब बताओ करे तो क्या करे इंसान है? आप कह रहे हो कि कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान करे, अरे योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्या बात है? बहुत अच्छा कहा आपने, बाबा ने कदम रख दिया हरियाणा में, सिर्फ एक ही बार इसलोग बोल दिया बटोगे तो कटोगे, सारा हरियाणा एक तरफ आ गया। अच्छा। इसी तरह मेरे उत्तर प्रदेश में भी जब बाबा ये बोल चुके हैं बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, इसीलिए कह रहेंगे कि एक रहना सीखो और सब मिलके रहना सीखो। ये लोग पता है क्या कहते हैं, इधर मेरा गली है, इधर मेरा मोहल्ला है, ठीक है, इस गली से जुलूस नहीं निकलेगा, इस गली से तो ये नहीं निकलेगा। मतलब हिंदुस्तान में भी रह के गली मोहल्ले बटने लगे हैं, गली मोहल्ले बटने लगे हैं और इसीलिए लोग कटने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि जो है चुनाव नजदीक जैसे आता है तैसे बीजेपी बौखला जाता है। क्या बात, कहते हैं कि 9 के 9 सीट पे जो चुनाव हो रहा है सब बीजेपी हार। क्या बात है, अरे उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई, अब आप नहीं समझ पा रहे। अच्छा, कल रात सपने में आए उनके कौन? कौन? कल रात सपने में आए उनके किशन भगवान। अच्छा, बोले कि 9 की 9 10 की 10 सीटें हमने ले ली, जीत रहे हैं। वाह, सपने सजाए बैठे रहो, सपने सजाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि साकार करेगी यूपी की जनता, सिर्फ देखते रहो तुम। अरे दो एक आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, बाकी तो टपाटप होने वाला है। टपाटप होने वाला है? का टपाटप भाई, राहुल गांधी को काहे घसीट रहे हैं बीच में? अब वही टपाटप फटाफट वाले हैं ना, इसलिए वो जाएंगे नहीं। उत्तर प्रदेश कहीं चले गए गलत से तो वो खली में रख के इनका टपाटप 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 कर देंगी वहां की औरतें। हाँ, और एक चीज और बताएं, ये जितने भी कह रहे हैं बाबा हैं तो ये करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, अरे तुमसे पहले तो कार्यवाही नहीं होती थी, लोग इज्जत लूट के चले जाते थे, घर में बैठ जाते थे, उसके बाद बहन बेटियों का कहते थे, क्या कहते थे, कोई बात नहीं, बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती है। बात वहां नहीं है, बात जब एक धर्म विशेष के लोग करें तब होता है, नहीं तो नहीं होता है। एक जात विशेष के करें या एक समुदाय विशेष के करें तब बाबा का बुलडोजर चमकता है और तब बाबा का इनकाउंटर भी जो है ताव पे रहता है। यार एक ही समाज के लोग, बताओ हमारे बहराइच में क्या किया उन्होंने? क्या क्या बहराइच में? मैं मानता हूँ तुम्हारे घर पे झंडा लगा है या तुम्हारे ग्रिल को तोड़ दिया गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको गोली मार दो, ठीक है ना, छेद कर दो उसको। अरे वो जो है दोबारा बन सकता है पर वो आदमी वापस नहीं आ सकता है, वो वापस नहीं आ सकता है। ये उदाहरण है इनके लिए कि इनके अंदर कितना कितना गुस्सा और कितना दर्दनाक बातें होती, नाखून तक नोच लिया, बताइए। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि बाबा मेरे इसी बात पे बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। नहीं नहीं, बात वहां नहीं कह रहे कि करवा रहे हैं बीजेपी वाले, ये सब करवा रहे हैं माहौल गर्म करने के लिए, तो चुनाव उपचुनाव जीतने के लिए। ये सब पता है क्या अंदर की बात है, अभी बता रहा हूँ। ये सारे
अरे ये जितने सपा वाले हैं ये सब अंदर घुस के करवा रहे हैं, अब अल्पसंख्यक के लोगों को भड़का रहे हैं ये कि तुम करो, उसके बाद मैं तो हूँ। अच्छा मैं तो हूँ, मैं तो बात उठाऊंगा ही। अच्छा विपक्ष पे बात उठाऊंगा मैं, पर जाने वाला चला जाएगा और ये बात उठाते रह जाएंगे। अच्छा जाने वाला चला जाएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ किसी नेता के और किसी उसमें ऐसे लोगों के भड़काए में जनता ना आए। मैं तो कहूँगा यही बात कि आने वाले समय चुनाव में बाबा को चुनो और नेक रहोगे। अच्छा पीडीए की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो है सवरण जो है पूरा जो है वो जमा रखे हैं, पूरा कंट्रोल कर रखे हैं, पूरा जितना भी सिस्टम है। वो कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। भाई कह रहे हैं कि एक ही तरफ से पूरा जो है शासन प्रशासन शुरू से ले, एसटीएफ की बात करते हैं कहते हैं कि शुरू से लेकर आखिरी तक जो है ठाकुर और ब्राह्मणों का है उसमें चलता, पीडीए की कोई बातें नहीं। ऐसी बात है, बाबा मेरे सबको लेके चल रहे हैं, जिस तरह मोदी जी सबका साथ सबका विकास। सबसे एक बात सुनो, जब उत्तर प्रदेश में पूरे आवास योजना सबको मिल रही है, 35% मुस्लिम भाइयों को मिला है, उसके बाद जनधन योजना सब कुछ मिला हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही लोगों को, कुछ ही समुदाय लोगों को इनको सपोर्ट करते हैं? ऐसा नहीं है, ये सबका साथ सबका विकास की सरकार है और सबको लेके चल रही है। ये नहीं किसी एक को लेके चले, ये मालूम है इनके टाइम पे क्या होता था? सपा के टाइम पे गुंडा गर्दी बदमाशी, उसके बाद बलात्कारियों जाओ बलात्कार करो, और आपका मदम मुजफ्फरनगर में ही है, ये दिल्ली का पास में जो है, ठीक है ना? एक समय पे अखिलेश के टाइम पे 7 लड़कियों का बलात्कार हो गया, हम क्या कहते हैं मुलायम सिंह क्या कहते हैं मालूम है? पूरे उत्तर प्रदेश का बलात्कार नहीं हुआ है, सिर्फ 7 बेटियों का ही तो हुआ है। अच्छा चलिए छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि सब बात गई, मुलायम सिंह जी गए, चले गए हाँ, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए मालूम है? वो वहाँ चले गए। चलिए सम्मान करते हैं, फोन करके पूछते हैं। नहीं नहीं सम्मान करते हैं अखिलेश यादव जी, उनके भी सम्मान करता हूँ ठीक है, पर कुछ जो उनकी रणनीतियाँ थी ना वो समय पे गलत थी। हाँ जवानी का जोश था और उस टाइम पे बड़ा गलत चीजें थी जो उन्होंने कई चीजें गलत डिसीजन लिए। टाइम गलत कैसे ले, 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, गलत होती नीतियाँ तो कैसे रहती? मेरी बात सुनो, शेर वो था कि चीज को गिरने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मालूम था उनको मेरे कुल में राम जन्म लिए हैं, मैं राम भक्तों पे गोलियां नहीं चलवा सकता हूँ, और जैसे मुलायम सिंह ने बैठे वैसे राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी। शेर वो थे, कल्याण सिंह। अच्छा कल्याण सिंह जी, चलिए अच्छी बात है, लेकिन उपचुनाव है और उपचुनाव में बीजेपी कितना सीट जीत पाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार पत्ता साफ कर देंगे, हम 9 के 9 सीट जीतेंगे, क्योंकि लोकसभा में जो है वो समझ चुके हैं, लोकसभा में लोग समझ चुके हैं, लोकसभा में समझ चुके हैं, लोग समझ सभा में जनता समझ चुकी है कि कितने जगह इन लोगों के लोगों ने क्या नहीं किया। कभी किसी का डीएनए टेस्ट हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, तो लोकसभा में जनता समझ चुकी है। अच्छा कि किसको लाना है और किसको भगाना है और किसका टपाटप करवाना है, इसीलिए उत्तर प्रदेश क्यों बार बार कहते हैं अरे अखिलेश यादव ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिया। अरे बात सुनो, फिर क्यों अरे ये टपाटप ये दोनों पता क्या है? कहते दो युवा की जोड़ी और टांग से निकल के भाग गई घोड़ी है। हाँ दो युवा की जोड़ी और टांग से निकल के भाग गई घोड़ी और टंगे रह गए वहीं पे। अब बताओ अब टंगे रह गए अखिलेश यादव या राहुल, ये दोनों जने टंगे रह गए। अब युवा कहाँ रह गए? ये अधेड़ है, ये अधेड़ दोनों टंगे रह गए। अभी नहीं हुआ अभी राहुल गांधी का आप करोगे अधेड़, तभी तो कह रहा हूँ दो युवा की जोड़ी और टांग से निकल के भाग गई घोड़ी, अब यही टंगे रहो तब टंगे रहो, ठीक है ना? तो इसी वजह से 9 सीट जो बना 9 सीट है ना, अरे मैं तो कहता हूँ ये एकाध सीट आपको मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी खिलेगा तो कमल ही, खिलेगा तो कमल ही, आएगा तो कमल ही, आएंगे तो बाबा ही।